हिसार के हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के सेक्टर 33 में सेक्टर वासी हुड्डा कार्यालय के बाहर आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। आपको बता दें कि बिजली निगम द्वारा बिजली के नए कनेक्शन पर रोक लगाने के विरोध में सेक्टर वासी अनशन पर बैठे हैं। सेक्टर 33 रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से गुरुवार को ये अनशन शुरू किया गया। आपको बता दें कि एसोसिएशन के प्रधान राजपाल नैन खुद अनशन पर बैठे हैं। उनका कहना है कि हुड्डा और बिजली विभाग के तालमेल की वजह से सेक्टर वासियों को परेशानी हो रही है। ना नए कनेक्शन मिल रहे हैं और ना ही पुराने अस्थाई कनेक्शन को स्थाई किया जा रहा है। नैन ने कहा कि जनता हुड्डा सेक्टरों में महंगे प्लाट लेकर इसलिए मकान बनाती है क्योंकि वहां सभी सुविधाएं मिलती है, मगर सरकारी विभागों में तालमेल की कमी का भी खामियाजा अब जनता को भुगतना पड़ रहा है। बिजली विभाग ने 10 दिन पहले बिजली कनेक्शन जारी करने का वादा किया था, लेकिन आज तक नए कनेक्शन जारी नहीं किए गए। जब तक विभाग लिखित में कनेक्शन जारी करने के आदेश नहीं देगा, उनका अनशन जारी रहेगा। हिसार से समाचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, मूलभूत सुविधाओं से वंचित रखना, और वो भी एक सेक्टर में जो हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा विकसित किया गया है, तो ये बहुत बड़ा प्रजा के साथ, जनता के साथ अन्याय है। हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ मूलभूत सुविधाओं को लेने के लिए लड़ाई है, और जब तक हमें विभाग लिखित रूप में ये आश्वासन नहीं देता कि ये तानाशाही रवैया और ये तानाशाही ऑर्डर जो जारी किया गया है कि आपको बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जाएंगे, वापस नहीं लेते, तब तक हम आमरण अनशन पर अनवरत बैठे रहेंगे। हमें आज हुड्डा विभाग की जोर जबरदस्ती जो बिजली कनेक्शन नहीं देने के कारण यहाँ आमरण अनशन शुरू कराया हमने। सेक्टर में लोग इसी सोच के साथ प्लाट लेते हैं कि कॉलोनी की बजाय या जो अवैध कॉलोनी है उनके मुकाबले में बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। बिजली है, पानी है, सड़क है। हुड्डा ने 2017 में पोजेशन दे दिया था कि आपको सारी सुविधाएं दे दी गई, आप मकान बनाइए सेक्टर में। लेकिन आज जो हालात है हुड्डा की, बिजली बोर्ड ने एक चिट्ठी जारी कर दी हुड्डा के नाम से कि सेक्टर के अंदर इलेक्ट्रिफिकेशन का कार्य पूर्ण रूप से नहीं किया गया है, इसलिए जो सेक्टर में प्लाट धारक हैं उनको मकान बनाने के लिए और जिन्होंने मकान बना लिए उनको स्थायी कनेक्शन नहीं दिया जाएगा। अगर इनकी आपसरी की कोई इंटरनल कोई कमी है तो डिपार्टमेंट है, दोनों IAS सत्र के अधिकारी इनके पास हैं, मुख्यमंत्री जी के पास हुड्डा डिपार्टमेंट है, आपसरी में बातचीत कर लेनी चाहिए। सेक्टर वासियों ने जिस प्रकार से पोजेशन हुड्डा ने दिया है उसी के अनुसार ये जो सुविधाएं हैं ये देनी चाहिए। जब तक बिजली के कनेक्शनों को रिटर्न में आदेश देने के आदेश नहीं कर दिए जाते तब तक हम आमरण अनशन पर बैठेंगे। इसके लिए चाहे हमें जान भी क्यों ना देनी पड़े, जिसकी जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की होगी और संबंधित अधिकारी होगी। ना अभी हमारे पास कोई अधिकारी नहीं आया। 20 तारीख को जरूर मीटिंग हुई थी, उसमें दोनों विभागों के SC भी थे, SN भी थे, SDO भी थे। IAS मान जो हुड्डा प्रशासक है उसकी अध्यक्षता थी और उस अध्यक्षता में उन्होंने रिटर्न में दिया था कि आपको कल से ही 21 तारीख से ही बिजली के कनेक्शन जारी कर दिए जाएंगे, लेकिन आज 10 दिन गुजरने के बाद भी किसी को बिजली का कनेक्शन जारी नहीं किया गया। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.